आवर फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, थर्ड क्वेश्चन लीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, 20 फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज 2, 7, 12 प्लस डैश 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 यूजिंग सूटेबल फार्मूला। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम सीरीज को लिखेंगे 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस डैश 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 डैश, इसको लिखे तो अब जो वैल्यूज है उसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो कि 2 होता है, इसको लिखेंगे 2 है, 2 को लिखेंगे, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना हो गया 5 हो गया 5, तो डी की वैल्यू है 5। और 20 टर्म्स एन इज इक्वल टू 20 जो कि टर्म्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन से इसको एक्सप्रेस करते हैं, अब यहाँ पर 20 है तो एन इज इक्वल टू 20 हो गया, उसको लिखेंगे। और हमें सम फाइंड करना है तो यस ट्वेंटी सम ऑफ 20 टर्म्स को हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला लीजिए, इससे पहले की प्रॉब्लम में हम कर चुके हैं, सेम फार्मूला यूज़ करना है। यस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यूज़ को लेकर रिप्लेस करेंगे तो मेरे इस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए और देखिए कि वैल्यू करेक्ट आती है या नहीं। तो एन की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, एन इज़ इक्वल टू 20 तो 20 बाई 2 और 2 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पर 2 है तो 2 को लिखेंगे प्लस एन की मतलब है 20 माइनस 1 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 है, इज़ इक्वल टू 5 इज़ इक्वल टू 2 1 2 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर 2 1 2 और 0 तो 10 हो गया। और यहाँ पर 2 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 प्लस 19 5 95 95 लिखेंगे इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट मतलब इनटू 95 प्लस 4 कितना हो गया 99 हो गया। सो देयरफॉर यस 20 इज इक्वल टू 99 इंटू 10 990 हो गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स डेफिनेट आते हैं। ये 19 पिछले साल ही पूछा गया है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को ज़रा गौर से देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन लीजिए, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 4 टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म। इसका मतलब है सॉल्यूशन पार्ट के सेवेंथ टर्म ए 7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म कह रहा है, तो इसका मतलब है ए टू सेकेंड टर्म। एंड ट्वेल्थ टर्म मतलब ए 12 इज इक्वल टू 2 मोर मतलब 2 ज़्यादा है, 3 टाइम्स इट्स ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, 3 टाइम्स ऑफ इट्स फोर्थ टर्म ए 4। फाइंड द प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन को फाइंड करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 3 मार्क्स का जो कि 2019 में पूछा गया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम ए 7, हम इससे पहले के प्रॉब्लम में हम पढ़ चुके हैं और हमें पता भी है कि प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म किस तरह से होता है, देखिए ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डैश इस तरह से होता है। ये हो गया फर्स्ट टर्म ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 इस तरह से होता है। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म ए 1 इज इक्वल टू ए 2 इज इक्वल टू ए प्लस डी ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d ए 4 इज इक्वल टू ए प्लस 3d ए 5 इज इक्वल टू ए प्लस 4d ए 9 इज इक्वल टू ए प्लस 8d इस तरह से होता है, ये तुम्हें पता भी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए सेवन इज इक्वल टू क्या हो गया, ऑफकोर्स ए प्लस 6d इज इक्वल टू 4 इंटू ए टू क्या हो गया ए प्लस डी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस 6d इज इक्वल टू 4 इंटू ए 4a प्लस 4 इंटू डी 4d। तो इज इक्वल टू 0 लेते हैं और ये पूरे इधर की जो टर्म्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या हो गया 4a a प्लस a प्लस a, इसको हम उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो प्लस a क्या हो गया माइनस a हो गया और यहाँ पर प्लस 4d और ये 6d को अगर हम इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे
तो माइनस सिक्स डी हो गया, तो इज़ इक्वल टू, या फिर फोर ए माइनस ए, फोर ए माइनस ए इज़ इक्वल टू थ्री ए, और प्लस फोर डी माइनस सिक्स डी, ये टू डी हो गया, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर इसको वन लेंगे हम सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि ए ट्वेल्व इज़ इक्वल टू ए प्लस इलेवन डी इज़ इक्वल टू थ्री, थ्री ऑफ ए फोर, और ए फोर की कीमत है, ए फोर की वैल्यू क्या है, ए प्लस थ्री डी, इसको लिखेंगे प्लस टू इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री इंटू ए थ्री ए प्लस थ्री, थ्री ज़ा नाइन, नाइन डी प्लस टू, और यहाँ पर ए प्लस इलेवन, ए प्लस इलेवन डी, तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर थ्री ए लेंगे, थ्री ए, और ए को उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या हो गया है, माइनस ए, उसी तरह से प्लस नाइन डी, और ये इलेवन डी को अगर उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो माइनस इलेवन डी, और यहाँ पर प्लस टू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थ्री ए माइनस ए, थ्री ए माइनस ए क्या हो गया, टू ए, और प्लस प्लस नाइन डी माइनस इलेवन डी माइनस टू डी। अब ये प्लस टू है उसका हम उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो प्लस टू क्या हो गया, इज इक्वल टू माइनस टू हो गया। इक्वेशन नंबर टू लेंगे हम इसको, और इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इक्वेशन इधर लेता हूँ मैं, इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू विल गेट हियर, थ्री ए माइनस टू डी इज इक्वल टू ज़ीरो, और टू ए माइनस टू डी इज इक्वल टू माइनस टू, इसको सॉल्व करेंगे हम, इज इक्वल टू माइनस टू। अब माइनस अगर लेंगे तो ये चीज़ माइनस हो गई, ये माइनस इंटू माइनस ये चीज़ प्लस हो गई, और ये माइनस इंटू माइनस ये चीज़ भी क्या हो गई, प्लस हो गई, तो माइनस टू डी और प्लस टू डी ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ पर थ्री ए माइनस टू ए कितना हो गया, ए इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस टू, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाती है, ए इज इक्वल टू प्लस टू। तो ए की वैल्यू हम इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो जनरल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से डायरेक्ट होता है। तो वो वैल्यूज़ को यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, या फिर और एक इजी फॉर्म, इजी मेथड ये है कि ए की वैल्यू थ्री, ए की वैल्यू टू है, तो ए लेंगे टू, टू में थ्री को ऐड करेंगे, टू प्लस थ्री कितना हो गया, फाइव, फाइव प्लस थ्री एट हो गया, एट प्लस थ्री इलेवन हो गया, तो ये इक्वेशन हो गया, बहुत ही आसान तरीके से, और हम ये जनरल फॉर्म को लेने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो नेक्स्ट को देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लीजिए, द सम ऑफ फर्स्ट एट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 100, सम ऑफ एट टर्म्स, तो कैसे लेंगे हम, तो यस एट, सम ऑफ एट टर्म्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू 100, और कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स, तो यस 19 इज इक्वल टू 551, फाइंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये 2019 प्रिपरेटरी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस सिर्फ प्रिपरेटरी में नहीं, एनुअल एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, तो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो यस एट इज़ इक्वल टू 100, यस एट इज़ इक्वल टू 100, तो सम ऑफ टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, यस एन इज़ इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, यस एट इज़ इक्वल टू, एन की वैल्यू 8 हो गई, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, तो 8 बाय 2 इंटू टू ए प्लस 8 माइनस 1, एन की वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7d हो गया, तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, और यस 8 की वैल्यू यहाँ पर दी गई 100, तो यहाँ पर 100 लेंगे, और ये इंटू 100 इज इक्वल, और एक मतलब लिखेंगे उसको कोई बात नहीं है, तो 4 इंटू 2a प्लस 7d हो गया,
और यहाँ पर इंटू है, तो इंटू फोर को अगर हम इक्वल किधर लाएंगे तो क्या हो गया है, डिवाइड फोर हो गया, तो 100 डिवाइड बाय 4 इज़ इक्वल टू 2a + 7d हो गया, तो 4 × 4 और 25, 4 × 100, तो देयर फॉर कितना हो गया, तो 2a + 7d इज इक्वल टू 25 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे, और सेम तरीके से इस यस 19 को भी फाइंड करेंगे। तो यस 19 तो सेम फॉर्मूला लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूले में हम सब्सटीट्यूट करेंगे। यस 19 तो n की वैल्यू यहाँ पर 19 है, तो सब्सटीट्यूट करेंगे 19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a + 19-1 18 डी हो गया। अब यस 19 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 551, तो 551 अब ये 19 इंटू 19 क्या हो गया, ये डिवाइड 19 हो गया, और ये डिवाइड 2 इक्वल के इधर आने के बाद क्या हो गया, इंटू 2 हो गया, और यहाँ पर बचा 2a + 18d। अब इसको कैंसिल करेंगे, 19 टू ज़ा कितना 38, अब यहाँ पर 17 बचता है, तो 17 और यहाँ पर 1 171 हो गया, तो 17 9 ज़ा 171, तो कितना हो गया 29 × 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 29 टू ज़ा 58, तो 58 इज इक्वल टू 2a + 18d, 2a + 18d, और 2a + 18d इज इक्वल टू 58, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, और हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को लेकर एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करेंगे इसको। तो बाय इक्वेशन इक्वेशन 2 एंड 1 वी गेट, इक्वेशन 2 को ले लो, सॉरी यहाँ पर 2a है, तो 2a 2 सॉरी 2a + 18d इज इक्वल टू 58, और फर्स्ट इक्वेशन है 2a + 17d इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया, तो 2a और 2a कैंसिल हो गया, 2a और 2a कैंसिल हो गया, और 18d - 7d इज इक्वल टू 11d इज इक्वल टू 58 - 25, 58 - 25 कितना हो गया 33, therefore d इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 11, सो 11 1 11 11 3 33, therefore d इज इक्वल टू 3 हो गया, तो d की वैल्यू हमें मिल गई। अब d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। अच्छा, तो पुट d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को ले लो, 2a + 7d इज इक्वल टू 25, इसको ले लो, तो 2 × a 2a + 7 × d, d की वैल्यू 3 है, 3 इज इक्वल टू 25, सो देयरफॉर 2a + 21 इज इक्वल टू 25, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 25 - 21, तो क्या हो गया है 4 हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 हो गया, a इज इक्वल टू 2 हो गया, a और d की वैल्यू मिल गई। तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने का था, तो जैसे कि इससे पहले प्रॉब्लम में मैंने बताया तुम लोगों को कि सबसे पहले जनरल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, जनरल फॉर्म में a a + d a + 2d इस तरह से होता है, तो हम उसको लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, उसको लिखे बगैर इच्छा तो हम लिख सकते हैं, तो a की वैल्यू 2 है, 2 2 + d, d की वैल्यू कितनी है, d इज़ इक्वल टू 3 है, तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 3 11 हो गया, 8 11 -- ये हो गया एक्सप्रेशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछ सक 3 मार्क्स के लिए
पूछा गया है। इसको अगला क्वेश्चन लीजिए। फाइंड द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 18 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 140। ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि 2015 में पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें पता है कि जनरल फॉर्म जो कि ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी डैश 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 इस तरह से होता है। और अगर हम देखेंगे कि इससे पहले जो कि टर्म्स कौन से आते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस सॉरी ए माइनस डी ए माइनस टू डी ए माइनस थ्री डी डैश 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 इस तरह से होता है। अब यहाँ पर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहा है, तो थ्री ऑड नंबर है, तो हम लेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर इन तीन को लेंगे, ऑड नंबर थ्री। और अगर फाइव कहता है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से लेंगे, कंटिन्यू लेंगे। एक को सेंटर लेंगे और आजू बाजू के नंबर्स को लेंगे। और अगर इवन फॉर एग्जांपल थ्री के बजाय अगर फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहा, तो हमें चाहिए कि हमें फोर अगर टर्म्स कहा तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए माइनस ए प्लस फोर डी ए प्लस थ्री डी इसको लेंगे। कौन सा बोला हमें, ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी, मतलब दरमियान के एक एक टर्म्स को हम छोड़ेंगे इस तरह से लेंगे। और अगर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहा तो सिर्फ हम इसको लेंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी को लेंगे। समझ में आ गया ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहता है तो हम क्या लेंगे, ए अगर थ्री कहता है तो ए माइनस डी ए ए प्लस डी। फाइव अगर कहता है जो कि थ्री एंड फाइव ऑड है तो कौन सा लेंगे, ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी। इवन अगर कहता है, इवन जैसे कि टू टर्म्स अगर कहता है तो कौन से लेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी को लेंगे। और अगर फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहता है इवन तो कौन से लेंगे, ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस थ्री डी इस तरह से लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस फर्स्ट पीयूसी में भी, मतलब 11वीं में भी आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को समझ लेना, मुझे लगता है कि तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। तो लीजिए आप सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तो सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन लेट दी थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कौन से, ए माइनस डी ए ए प्लस डी। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है हुज सम इज 18, हुज सम इज 18 बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो यही टर्म्स को लेंगे, ए माइनस डी प्लस सम कह रहा है इसलिए प्लस
ए प्लस डी हुज सम कितना कह रहा है, 18 18। और एक सेंटेंस में कह रहा है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 140। सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए माइनस टी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 140 हो गया, इज इक्वल टू 140 हो गया। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर क्या हो गया है कि हाँ माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, तो ए प्लस ए प्लस ए कितना एक हो गया, 3 ए इज इक्वल टू 18। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3, 3 1 3 3 6 18, ए इज इक्वल टू 6। तो ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई। अब फाइंड करेंगे क्या फाइंड करेंगे, ए माइनस डी होल स्क्वायर। अब देखो हम पढ़ चुके हैं क्या होता है फॉर्म, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सॉरी माइनस टू ए बी होता है। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं जो कि सिक्स स्टैंडर्ड से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। या फिर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों सेम है। और अगर यहाँ पर ए माइनस डी बी के प्लेस में डी है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए डी हो गया। तो यही वैल्यू बच्चों यहाँ पर लिखे इसके नीचे लिखेंगे, ओके। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ और वैल्यू इसको लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए डी प्लस ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस। अब इसको एक्सपांड करेंगे हम कौन से फॉर्म में, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो कि फार्मूला पढ़ चुके हैं उसको एक्सपांड करेंगे। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू 140 हो गया, 140 हो गया। यहाँ पर 2 ए डी कैंसिल हो गया, 2 ए डी तो क्या हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टोटली देर आर 3 ए स्क्वायर और यहाँ पर डी स्क्वायर और एक डी स्क्वायर यहाँ पर प्लस 2 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 140। और ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, उस वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे तो 3 इंटू ए, ए की वैल्यू कितना है, 6 है, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 140। 3 इंटू 6 स्क्वायर कितना, 36 प्लस 2 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 140। सो देयरफॉर कितना हो गया है, 36 3 जा, या फिर मल्टीप्लाई करें इसको, 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9 9 प्लस 1 10 108 प्लस 2 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 140। अब करता हूँ इसको, तो 2 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 140 माइनस 108। 140 में से अगर 108 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 32 हो गया, 32। और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 बाय 2, 2 1 2 2 1 2 2 6 32। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और डी इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस आर माइनस 4। डी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू होती है 6 और डी की वैल्यू प्लस आर माइनस 4। तो वैल्यू ए इज इक्वल टू 6 और डी की वैल्यू कितनी, प्लस आर माइनस 4 प्लस आर माइनस 4। अब लेंगे इफ़, यहाँ पर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। इफ़ ए इज इक्वल टू 6 एंड डी इज इक्वल टू 4 हो तो क्या होगा, ए कितना है, या फिर
हम लोग किस तरह से लेते हैं, सिक्स टर्म्स, थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स आर ए माइनस टी, पहले टर्म लिए थे हम, तो ए की वैल्यू है सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू हो गया, ए ए की वैल्यू सिक्स, ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया, सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टेन, देन थ्री टर्म्स आर कौन से के थ्री टर्म्स, टू सिक्स टेन। और अगर हम कंसिडर करते हैं कि ए इज़ इक्वल टू सिक्स और डी इज़ इक्वल टू माइनस फोर लेते हैं, तो हमारी वैल्यू होती है टेन सिक्स टू होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ओके बच्चों, दो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन लीजिए। इफ एज ए एन और nth टर्म इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस थ्री, देन द वैल्यू ऑफ ए थ्री इज़ डैश। ए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस थ्री, यहाँ पर थर्ड टर्म की वैल्यू पूछा है, तो ए थ्री मतलब क्या होगा, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी, थ्री, मतलब जहाँ पर एन है वहाँ पर थ्री लगाएंगे, तो थ्री स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर कितना, थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री टू टाइम्स, तो कितना हो गया नाइन, नाइन प्लस थ्री, नाइन प्लस थ्री कितना बचा, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, सो ए थ्री इज इक्वल टू कितना, ट्वेल्व, तो आंसर कितना हो गया, आंसर सी। बहुत ही आसान, 1 मार्क्स के लिए इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। लीजिए आखिरी क्वेश्चन लीजिए। द थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी इज एट, सॉल्यूशन लिखेंगे इसको पढ़ते पढ़ते। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब होता है ए थ्री, थर्ड टर्म इज इक्वल टू एट, एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जरा गौर से देखेंगे इसको, एंड द नाइन्थ टर्म, ओके नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म मतलब ए नाइन इज इक्वल टू नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी एक्सीड्स थ्री टाइम्स द थर्ड टर्म, मतलब क्या, थ्री टाइम्स थर्ड टर्म, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, बाई टू, टू ज़्यादा हो रहा है, तो उसको फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 19 टर्म्स, हमें मतलब हमें क्या फाइंड करना है, यस 19 को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ए थ्री, जो कि इससे पहले के क्वेश्चंस में मैंने बताया कि जनरल फॉर्म ए वन यानी क्या होता है, ए वन इज इक्वल टू ए, ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी, इस तरह से होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के प्रॉब्लम्स में। तो ए थ्री की वैल्यू को हम लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस टू डी इज इक्वल टू एट, इक्वेशन नंबर वन लेंगे, और ए नाइन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस, ए प्लस मतलब एट डी इज इक्वल टू थ्री इन टू, ब्रैकेट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ए थ्री की वैल्यू टू टर्म्स में आती है, तो ए थ्री की वैल्यू कितनी, ए प्लस टू डी। और एक यहाँ पर ए थ्री की वैल्यू हमें दी गई है, एट दिया गया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, उसको एट को लिखेंगे प्लस टू इज इक्वल टू, या फिर ए प्लस डी, ए प्लस एट डी, एट थ्री ज़ा 24, एट थ्री ज़ा 24 प्लस टू इज इक्वल टू कितना हो गया 26, तो ए प्लस, सॉरी ए प्लस एट डी इज इक्वल टू 26 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर टू देंगे, इक्वेशन नंबर टू देंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को, बाय इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड वन टू को ले लो, ओके तो किसी एक इक्वेशन को हम ऊपर ले सकते हैं, कोई भी एक ले लो, ए प्लस टू डी इक्वल टू एट, सेकेंड इक्वेशन कौन सी, ए प्लस एट डी इज इक्वल टू 26 इज इक्वल टू 26, तो माइनस करने पर ये माइनस हो गया, ए भी माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, तो 2d माइनस 8d माइनस 6d हो गया, माइनस 6d इज इक्वल टू 8 माइनस 26 कितना हो गया, माइनस 18 हो गया, माइनस 18, तो d इज इक्वल टू माइनस 18 डिवाइडेड बाय माइनस 6,
माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया, 6 1 6 6 9 18, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 6 3 18, तो डी की वैल्यू 3 हो गई, तो डी इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, डी की वैल्यू को लेकर हम ए फाइंड करेंगे, पुट डी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन को ले लो, इक्वेशन वन क्या था हमारा, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 8, यहाँ पर डी की वैल्यू से वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो ए प्लस टू इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी 3, इज इक्वल टू 8, तो ए प्लस टू थ्री जा कितना, 2 3 6 इज इक्वल टू 8, सो एट ए इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 2 हो गया बच्चों, ए इज इक्वल टू। अब क्या पूछ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर सम ऑफ 19 टर्म पूछ रहा है, यस 19 पूछ रहा है। अब यस 19 फाइंड करने के लिए नाइनटीन टर्म फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम 19th टर्म को फाइंड करके लेंगे, तो 19th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ए 19 इज इक्वल टू ए प्लस 18 डी फॉर्म लेंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें पता है 2 प्लस 18 इंटू डी, डी की वैल्यू 3 है हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर है, तो इज इक्वल टू 2 प्लस 18 3 दा कितना हो गया, 18 3 दा 54, और 54 प्लस 2 इज इक्वल टू 56 हो गया बच्चों, ए 19 मतलब 19th वहाँ टर्म जो कि 56 हो गया, इसको हम क्या करेंगे एल से कंसीडर करेंगे, मतलब लास्ट टर्म है 19th वहाँ टर्म 56 और ये एल है बस, और अगर हमें पता है कि लास्ट टर्म अगर हमें मिलता है या फिर दिया जाता है तो और एक फार्मूला आता है इसे हम फाइंड करने का, कौन सा है वो, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू ए प्लस एल, लास्ट टर्म ए प्लस एल। हाँ अगर हम चाहे तो और एक फार्मूला जो कि एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए फॉर्म में भी ले सकते हैं, हम बाद में उसको टैली करके देखेंगे कि दोनों आंसर सेम आते हैं या नहीं, तो इज इक्वल टू एस एन, एन मतलब 19, तो 19 बाय टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस एल, एल कितना हो गया 56, तो इज इक्वल टू 19 बाय टू इंटू 56 प्लस 2 कितना हो गया 56 प्लस 2 58 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 2 4 एक बच्चा 2 9 18, इसका मतलब होगा 19 इंटू 29 कितना होगा, ज़रा मल्टीप्लाई करो इसको, 19 इंटू 29 करने पर हमें कितना मिलता है 551 इज इक्वल टू 551 होगा, तो हमारा आंसर है यस 19 इज इक्वल टू 551। चलो इस फॉर्मूले के जरिए से टैली करके देखेंगे क्या आंसर जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर सही हुआ या नहीं, चेक करेंगे इसको, तो यस 19 इज इक्वल टू 19 बाय 2 इंटू 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 ले लो प्लस एन, एन मतलब 19 माइनस 1 18 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3 है, इज इक्वल टू 19 बाय 2 2 इंटू 2 4 प्लस 18 3 जा 54 हो गया, 18 3 जा 54 हो गया, इज इक्वल टू 19 बाय 2 इंटू 4 प्लस 54 कितना हो गया 58 हो गया, 2 1 जा 2 और एक मतलब 2 2 जा 4 फिर 2 9 जा 18, तो और एक मतलब यहाँ पर 19 इंटू 29 आ गया, 19 इंटू 29 551, दोनों का आंसर सेम आ गया बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है एग्ज़ाम में, तो ज़रा इसको गौर से देखेंगे, कोई भी एक मेथड अप्लाई करना काफ़ी है, दोनों मेथड से प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है। ओके बच्चों, मुझे लगता है आज का वीडियो तुम्हें समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस